गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश किया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार इस प्रकार है। सम्यक ज्ञान। तथागत बुद्ध के अनुसार धम्म का मतलब है जीवन की पवित्रता बनाए रखना, जीवन में पूर्णता प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, तृष्णा का त्याग करना, ये मानना कि सभी संस्कार अनित्य हैं, कर्म को मानव के नैतिक संस्थान का आधार मानना। तथागत बुद्ध के अनुसार अधम्म है पराप्रकृति में विश्वास करना, आत्मा में विश्वास करना, कल्पना आधारित विश्वास मानना और धर्म की पुस्तकों का वाचन मात्र करना। तथागत बुद्ध के अनुसार सद्धम्म वही है जो धम्म प्रज्ञा की वृद्धि करे, जो धम्म सबके लिए ज्ञान के द्वार खोल दे, जो धम्म ये बताए कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं है, जो धम्म ये बताए कि आवश्यकता प्रज्ञा प्राप्त करने की है, जो धम्म मैत्री की वृद्धि करे, जो धम्म ये बताए कि प्रज्ञा भी पर्याप्त नहीं है, इसके साथ शील भी अनिवार्य है, जो धम्म ये बताए कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का होना भी अनिवार्य है, जो धम्म ये बताए कि करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है। तथागत बुद्ध के अनुसार सद्धम्म वही है जो सभी प्रकार के सामाजिक भेदभावों को मिटा दे, जब वह आदमी और आदमी के बीच की सभी दीवारों को गिरा दे, जब वह बताए कि आदमी का मूल्यांकन जन्म से नहीं बल्कि कर्म से किया जाए, जब वह आदमी आदमी के बीच समानता के भाव की वृद्धि करे। सव्वीस नोव्हेंबर 1949 रोजी आपण सार्वभौम निरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्यासाठी संविधानाचा स्वीकार केला। हा दिवस आपण संविधान सन्मान दिन म्हणून साजरा करतो। त्यानिमित्त संविधान दौड आणि गौरव यात्रा 26 नोव्हेंबर 2017 रोजी सकाळी 7:30 वरळी सी फेस ते चैत्यभूमी दादर यामध्ये सहभागी होऊयात। नमस्कार, मी राजकुमार बडोले, सामाजिक न्याय मंत्री महाराष्ट्र शासन। आपणा सर्वांना आवाहन करत आहे सामाजिक न्याय विभागाच्या पार्टी व समता प्रतिष्ठानच्या माध्यमाने 26 नोव्हेंबर 2017 ला संविधान दौड आणि गौरव यात्रा मुंबईमध्ये आयोजित करण्यात आलेली आहे। या संविधान दौड आणि गौरव यात्रेत आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित व्हावं असं आवाहन मी आपणा सर्वांना करत आहे। धन्यवाद। गर्व आम्हाला संविधानाचा, समता स्वातंत्र्य बंधुत्वाचा। जर तुम्हाला IAS, IPS, IRS व्हायचे आहे, तुम्हाला MPSC परीक्षेमध्ये यश मिळवायचे आहे, बँक SSC, CDS, रेल्वेच्या आणि इतर परीक्षेमध्ये यश प्राप्त करायचे आहे, तर हा सेमिनार तुमच्यासाठी आहे। आवाज इंडिया TV प्रस्तुत करिअर गायडन्स सेमिनार, रविवार दिनांक 26 नोव्हेंबर 2017 सायंकाळी 5:00, स्थान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ऑडिटोरियम, दीक्षाभूमी नागपूर, मुख्य मार्गदर्शक डॉक्टर हर्षदीप कांबळे, IAS, डेव्हलपमेंट कमिशनर, मीडियम अँड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मुंबई, माननीय निलेश भरणे, IPS, पोलीस उपायुक्त, विशेष शाखा नागपूर। सेमिनार निशुल्क असला तरी गर्दी टाळण्यासाठी सेमिनार पासेस ठेवलेले आहे। पासेस साठी संपर्क करा 9730022223, 8600777, 7170777, 8600777, 7180, 9822 5727, 7185, 0712 6644 9944। चौबीस नवंबर ये संविधान दिन करके पूरे देश में मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में विशेष तौर पे सामाजिक न्याय विभाग की समता प्रतिष्ठान के माध्यम से मुंबई में वरली से चैत्यभूमि तक संविधान दौड़ रखी जा रही है। समाज के सभी तबके के लोग उसमें सम्मिलित होने वाले हैं। जैसे कि हम सबको पता है, भारत ये देश, इस देश में विभिन्न भाषाएं, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धर्म, विभिन्न पंथ, विभिन्न जाति, इन सभी को भारतीय संविधान के माध्यम से एक सूत्र में जो पिरोया गया है, तो इसलिए ये इस समता संविधान सप्ताह में सभी धर्म के जो मौलवीज है, जो गुरुज है, वो सभी एकत्रित
आके भारतीय संविधान के बारे में अपना संदेश, इस देश में ये देश सभी धर्म जाति परंपराओं का एक देश है, ये संदेश जाना चाहे, इस तरीके के विभिन्न कार्यक्रम भी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित ही भारतीय संविधान जनमानस तक जाए और उसका जो संदेश है सर्व धर्म निरपेक्षता का, ये सभी समाज के सभी तत्वों तक पहुँचे, ये इस संविधान सप्ताह का हेतु है। चक्र मुद्रा, या मुद्रेला धर्मचक्र ज्ञान म्हणजेच टीचिंग ऑफ द व्हील ऑफ द धर्मा याचे संकेत देणारे चिन्ह म्हणूनही ओळखले जाते। हे बुद्धांच्या जीवनातील सर्वात महत्वाच्या क्षणांपैकी एक आहे। त्यांनी या मुद्रेचे प्रदर्शन सर्वप्रथम ज्ञानप्राप्तीनंतर सारनाथ येथील त्यांच्या पहिल्या धर्मोपदेशात केले होते। या मुद्रेत दोन्ही हातांना छातीसमोर ठेवून डावा हाताचा पृष्ठभाग आतल्या बाजूने तर उजव्या हाताचा पृष्ठभाग बाहेरील बाजूने ठेवण्यात येतो। ध्यान मुद्रा, या मुद्रेला समाधी किंवा योग्य मुद्रा म्हणून ओळखले जाते। ही मुद्रा बुद्ध शाक्यमुनी, ज्ञानी बुद्ध अमिताभ आणि चिकित्सक बुद्ध इत्यादी बौद्धांच्या गुणधर्मांना दर्शवते। या मुद्रेत उजवा हात डाव्या हातावर पूर्णपणे बोट उघडून मांडीवर ठेवण्यात येतो। भूमिस्पर्श मुद्रा, या मुद्रेला पृथ्वीला स्पर्श करणे टचिंग द अर्थ असे देखील म्हणतात, जी बुद्धांच्या ज्ञानप्राप्तीला दर्शवते, कारण बुद्ध म्हणायचे की पृथ्वी त्यांच्या ज्ञानाची साक्षी आहे। या मुद्रेत उजवा हात उजव्या गुडघ्यावर ठेवून तडहात आतल्या बाजूला ठेवून त्याला जमिनीच्या दिशेने नेण्यात येते। वरद मुद्रा, ही मुद्रा अर्पण, स्वागत, दान, दया आणि प्रामाणिकता यांना दर्शवते। या मुद्रेत डावा हात पूर्णपणे उघडून तडहात बाहेरील बाजूने असतो तर उजवा हात हा शरीरासोबत नैसर्गिकरित्या ठेवण्यात येतो। करण मुद्रा, ही मुद्रा वाईटापासून वाचवण्याचे सूचित करते। या मुद्रेत तर्जनी आणि करांगडीला वर उचलून इतर बोटांना मोडले जाते। ही कर्त्याला श्वास सोडून रोग अथवा नकारात्मक विचारांमधून बाहेर निघण्यास मदत करते। वज्र मुद्रा, ही मुद्रा पंचतत्व म्हणजेच वायू, जल, अग्नि, पृथ्वी आणि धातू यांना दर्शवते। या मुद्रेत उजव्या हाताची मुठी करून त्यात डावा हाताच्या तर्जनीला वरील दिशेने अशा प्रकारे ठेवले जाते की उजव्या हाताची तर्जनी तिला स्पर्श करू शकेल। वितर्क मुद्रा, ही मुद्रा बुद्धांच्या शिक्षेचा प्रचार आणि परिचर्चेचं प्रतीक आहे। या मुद्रेत अंगठा आणि तर्जनीच्या वरील भागाला जोडले जाते आणि इतर बोटांना सरळ ठेवले जातं। अभय मुद्रा, ही मुद्रा निर्भयता अथवा आशीर्वादाचे प्रतीक आहे, जी सुरक्षा, शांती, परोपकार आणि भय दूर करणे याचं प्रतिनिधित्व करते। या मुद्रेत उजव्या हाताला खांद्यापर्यंत उचलून बाहूला दमडून हाताच्या बोटांना वर उचललं जातं। उत्तर बोधी मुद्रा, ही मुद्रा दिव्य सार्वभौमिक ऊर्जेसोबत स्वतःला जोडून सर्वोच्च आत्मज्ञानाची प्राप्ती दर्शवते। या मुद्रेत दोन्ही हात हृदयाजवळ ठेवून दोन्ही हातांच्या तर्जनी एकमेकांना स्पर्श करत वरच्या दिशेने असतात तर इतर बोट ही आतल्या बाजूने मोडलेली असतात। अंजली मुद्रा, याला नमस्कार मुद्रा किंवा हृदयांजली मुद्रा देखील म्हणतात, जी अभिवादन,
प्रार्थना आणि आराधना दर्शवते. या मुद्रेत दोन्ही हात हे पोटाच्या वर मोडलेल्या स्थितीत असतात. हाताचे तळहात हे एकमेकांना जोडलेले असून दोन्ही हातांची बोटे एकमेकांना स्पर्श करीत असतात. छह दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण. आओ हम सब मिलकर करें रक्तदान. बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में बुधवार दिनांक 6 दिसंबर 2017 को महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है. आप भी इसमें शामिल होकर बाबा साहब को अभिवादन करें. मानवता के हित में काम कीजिए. 6 दिसंबर को रक्तदान कीजिए. रक्तदान जीवन का श्रेष्ठ आचरण. रक्तदान से करेंगे बाबा साहब को अभिवादन. इस महारक्तदान शिविर का आप भी हिस्सा बनें. रक्तदान यह सिर्फ श्रेष्ठ दान नहीं बल्कि जीवन दान भी है. 18 वर्ष से 68 वर्ष आयु का कोई भी व्यक्ति जिसका वजन 48 किलोग्राम तथा रक्त में हीमोग्लोबिन 12% से ज्यादा है वह रक्तदान कर सकता है. जाति धर्म संप्रदाय को भूलकर इंसान की जिंदगी बचाएंगे. तो हो जाइए तैयार 6 दिसंबर के महारक्तदान शिविर के लिए. दीक्षा भूमि नागपुर, संविधान चौक नागपुर, बेजन बाग मैदान नागपुर, यहाँ शिविर संपन्न होगा. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9730022223 8600777177. रक्तदान करके बचाएंगे जीवन. करेंगे बाबा साहब को विनम्र अभिवादन. विनित आवाज इंडिया टीवी, मराठा सेवा संघ, तेली समता महासंघ, गुरुमत प्रचार संस्था, सेंट थॉमस चर्च, मुस्लिम वेलफेयर कमेटी, भगवान बिरसा मुंडा यूथ ब्रिगेड. अब आपके घर का सपना होगा साकार. अंजना विहार के साथ 2 BHK रेडी पोजिशन फ्लैट्स आपके बजट में. लोकेशन खसरा नंबर 43/2 भगवान नगर नागपुर. फ्लैट में उपलब्ध सुविधाएं, फ्लैट एरिया 1250 स्क्वायर फीट, स्पेशियस हॉल, मॉड्यूलर किचन, इलेक्ट्रिफिकेशन विद लिग्रांड स्विचेस, प्लंबिंग, जकार एस्को मार्ग, POP, लिफ्ट, CCTV कैमरा, पार्किंग एरिया अत्याधुनिक सुविधाओं से भरपूर. अब जीने का मजा लीजिए नए फ्लैट के साथ. जल्द करें, सीमित फ्लैट शेष है. संपर्क करें प्रवीण कंस्ट्रक्शन, शाक्य विहार, भगवान नगर, नागपुर 9823023177. भाग्य में विश्वास मत रखो, अपनी शक्ति में विश्वास रखो. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर. नानू कैटरर्स, आपके घर में कोई भी फंक्शन हो, चाहे शादी, बर्थडे या कोई भी पार्टी, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं. अब आपकी चिंताओं को दूर करेगा नानू कैटरर्स. साफ, सुंदर, स्वादिष्ट भोजन, साउथ इंडियन, पंजाबी फूड, चाइनीज, चाट, वेज, नॉन वेज, साथ ही फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग तथा सभी सुविधाएं एक्सीलेंट सर्विस के साथ सिर्फ एक फोन कॉल पर. शॉप नंबर 151, गणेश मंदिर टेकड़ी के पास, रेलवे स्टेशन रोड, सीताबड़ी, नागपुर. नानू कैटरर्स, सिर्फ नाम ही काफी है. पद्माकर माधवराव रंगारी 7829 8242974 7057597801. सामाजिक व आर्थिक समता संघ उद्घाटन आणि अहवाल प्रकाशन समारंभ रविवार दिनांक 26 नोव्हेंबर 2017 सकाळी 9 पासून. स्थळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ऑडिटोरियम, दीक्षाभूमी नागपूर. उद्घाटक माननीय हमीद अंसारी, माजी उपराष्ट्रपती. अध्यक्षता डॉक्टर सुखदेव थोरात, नवी दिल्ली. अहवाल प्रकाशन विषय महाराष्ट्रातील गरिबी व असमानता, अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव व अत्याचार. या कार्यक्रमामध्ये महाराष्ट्रातील नामवंत कार्यकर्ते, लेखक उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने त्यांचे मनोगत व्यक्त करतील. आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित व्हावे ही विनंती. विनीत सामाजिक आणि आर्थिक समता संघ. Thank you.
निश्चित तौर से जो गरीब समाज है और संख्या से कमजोर है, उनकी इतनी संख्या नहीं है जो सरकार को झुका सके, लेकिन भारतीय संविधान ही उसके लिए है कि जो गरीब तबके के लिए न्याय दे। आज यहाँ देख रहे अपन की जो ये गोवारी समाज है, ये बहुत शांत स्वभाव के लोग है ये, और देहात में अपनी जो बकरिया ये वो चरा के अपना कैसा तो भी खेती बाड़ी का काम करके अपने उधर निर्वाह करते हैं। लेकिन आज 23 साल के पहले यहाँ पे जो हादसा हुआ, जहाँ 50% महिला और 50% पुरुष मेरे ख्याल से गए, 114 लोग गुजर गए, तो उनको जो न्याय देने की जो मांग थी सरकार के लिए, उनकी मांग थी अनुसूचित जमाति में इनके प्रवर्ग को सम्मिलित किया जाए, एक छोटी सी मांग थी। और फिर जो स्कॉलरशिप दूसरे प्रवर्गों को मिलती है, इनके बच्चों को मिले, उनके बच्चों को नौकरी में आरक्षण मिले, महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं के लिए आरक्षण मिले, तो ये उनकी मांग थी। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं उसमें, ना संसद में ना कहीं और ये, लेकिन ये संसद का अधिकार देने अधिकार है आरक्षण देने का। तो उन्होंने सामने जो इशू लाया कि हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 50% के ऊपर आरक्षण की लिमिट नहीं जाना चाहिए, ऐसा है, हम उसके आगे जाके उनको कहते हैं सरकार को कि भारतीय संविधान में ऐसा कहीं लिखा नहीं कि 85% आरक्षण देना चाहिए करके, ऐसा कहीं नहीं है। जब संविधान ऐसा बोलता है तो उनको न देने में कोई हर्ज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट है वो पार्लियामेंट से बड़ा नहीं है, पार्लियामेंट के उसमें पार्लियामेंट निर्णय ले सकता है और इनको न्याय दे सकते हैं। तो इसलिए ये सरकार आज आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे भी है और केंद्र में भी है, उन्होंने तुरंत निर्णय यहाँ पे लेना चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है। और दूसरी बात, यहाँ पे जहाँ शहीद हुए वहाँ पूरा खून उनका वहाँ पे बहा, जिस जगह पे उनका 114 गुवारियों का नहीं, उससे कुछ जख्मी भी लोग थे, उसमें से 500 हजारों के ऊपर तादाद थी, तो उनका खून अपने समाज के लिए जहाँ बहा, जिस जगह पे बहा, वो बलिदान भूमि है गुवारियों की, तो वो बलिदान भूमि के ऊपर तुम अभिवास महा ये बना रहे, वहाँ पे मेट्रो का स्टेशन ये गलत है, वही पे स्मारक बनना चाहिए, ये हमारी मांग है। 1995 में युति की गवर्नमेंट हो गई तो उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयत्न किया, मगर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की उन्होंने मीटिंग ही बुलाई थी, और सीएम साहब भी थे, मनोहर जोशी थे, सब आए थे, मगर इन टाइम पर जो ट्राइबल के एमएलए थे वो एमएलए वो मीटिंग में नहीं आए, इसलिए वो उस समय 96 में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सका। उसके बाद में चर्चा चलती रही, विलासराव देशमुख थे, उन्होंने भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास किया, मगर ये साल नहीं हुआ। उसके बाद में अभी नए मुख्यमंत्री जो देवेंद्र जी फडणवीस हैं, उनके साथ 13 सितंबर को ये मीटिंग हो गई गुवारी समाज की, मिशन देवरी गोंडवाना संग्राम परिषद इनके साथ में, तो उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का आश्वासन दिया, और उन्होंने ये कहा कि गोंड गुवारी नाम की जात विदर्भ में या महाराष्ट्र में नहीं है, इसलिए इनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है, तो अन्ना ये एक वसंत पाटिल करके जो उनके डिप्यूट नागपुर के कमेटी के संचालक थे, उप संचालक थे, उन्होंने गुवारी के अगेंस्ट में रिपोर्ट दिया कि जो P1 रजिस्टर में या 1950 के पूर्व ही गोंड गुवारी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, मगर उन्होंने गोंड गुवारी करके है करके दिया, उन्होंने सर्वे किया रिपोर्ट में या रिपोर्ट दिया कि गोंड गुवारी करके ऐसा P1 में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, मगर जो लोग गुवारी है उनको गोंड गुवारी कहलाते हुए अलग जात है करके उन्होंने गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजा। सीएम साहब ने कहा कि ये रिपोर्ट इनको बदलना चाहिए, ये बदल जब तक ये दुरुस्त नहीं होता इसलिए उन्होंने ये कमेटी तैयार करने के लिए ऑर्डर दिया गवर्नमेंट को, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी इनको, तो कमेटी इसके ऊपर ये नई कमेटी नहीं है, जो रिपोर्ट दिया उसमें चेंजेस कुछ करना है, तो चेंजेस करने के बाद में गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजन लेगी कि हमारी डिमांड तो है कि गुवारी गोंड गुवारी जो है उनके बीच में कामा डाल के गुवारी अलग करो, ये हमारी डिमांड। तो ये जो आदिवासी जो एमएलए थे इनका पूरा विरोध है गुवारी को सहूलत देने के लिए, अभी कुछ जो अभी थोड़ा सा नरम पड़ गए, कुछ लोग हमको सपोर्ट भी कर रहे हैं, ट्राइबल के कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब तक ये केंद्र की तरफ ये रिकमेंड नहीं करेगी
सिफारिश नहीं करेगी तब तक केंद्र सरकार भी कुछ नहीं करेगी। अगर महाराष्ट्र सरकार जल्दी से जल्दी इसको हल कर सकती तो यानी नहीं यहाँ पर गुवाहारी और गुरुद्वार के बीच में कामा डालने की रिकमेंडेशन जल्दी से जल्दी करना चाहिए। अभी भी ये तो हल हो सकता है। अभी 15 महीना तो कम से कम अभी 1.5 साल है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने अगर जल्दी से जल्दी इसके ऊपर रिकमेंडेशन केंद्र को किया तो ये अभी भी हल हो सकता है। हमारे